बहुत शुक्रिया। मैं दिवाली की मुबारकबाद देता हूँ अपने सारे हिंदू भाइयों को और बहनों को। एट द सेम टाइम मैं बोलना नहीं चाह रहा था, मैंने इनसे दरखास्त की थी कि सिर्फ माइनॉरिटीज बोले, मगर दो चीजें याद रखें। एक तो जब हमने धरना किया था तो आपको याद होगा वहाँ हमने दिवाली सेलिब्रेशन भी की थी, वहाँ माइनॉरिटी डे भी मनाया था, और अब की शाह महमूद कुरैशी साहब भी एक बड़ी दिवाली सेलिब्रेशन के लिए उमरकोट गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस चीज पर बिलीव करती है कि कायद आजम मोहम्मद अजीज जिन्ना ने 11 अगस्त को ये कहा कि अब पाकिस्तान बन गया है, एज फार एज द स्टेट इज कंसर्न, आप अपने मंदिरों में जाएं, गिरजाओं में जाएं, मस्जिदों में जाएं, स्टेट के हवाले से सब इक्वल है। जब ऑपरेशन की बात होती है तो ये पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे मजलूम तबके हैं, जिसके अंदर औरत भी मजलूम है, गरीब भी मजलूम है, उसी तरह से माइनॉरिटी डबल मजलूम होती है कि इनके साथ ज्यादा तासुब होता है। मुझे बड़ा शर्म आती है जब दीवान सचल जैसा मेरा दोस्त उसको ये कहना पड़े कि आई एम एन इक्वल पाकिस्तानी। यू आर एन इक्वल पाकिस्तानी एंड वी विल स्टैंड बाय यू एवरी टाइम। वी कैन नॉट टॉलरेट द फैक्ट कि यहाँ लोगों को जस्टिफाई करना पड़े कि जी वो हम भी इतने ही पक्के पाकिस्तानी हैं। मेरे दोस्त, मेरे कजन इंडिया में हैं, उनको आज जस्टिफाई करना पड़ता है कि दे आर मोर लॉयल और दे आर एज लॉयल एज अदर हिंदू पॉपुलेशन। वी डोंट वॉन्ट टू सी दैट इन पाकिस्तान। You are Pakistanis, you will always be loyal to Pakistanis. You are welcome Pakistanis, आप हमेशा से पाकिस्तानी थे। कोई आप में और हम में इस माना करके स्टेट के हवाले से कोई फर्क नहीं। जहां तक आपके राइट्स का मामला है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपके साथ खड़ी रहेगी। इमरान खान साहब ये बात बताएंगे कि फोर्स कन्वर्जन तो किसी मजहब के अंदर भी जायज नहीं हो सकता, फोर्स कन्वर्जन इस्लाम के अंदर भी जायज नहीं हो सकता, मगर जो भी लीगल इश्यूज हैं उस हवाले से हमें इन चीजों को देखना भी जरूर पड़ेगा। मगर जहां बाकी मजलूम तबके हैं तो माइनॉरिटीज को हम नहीं समझते कि उनके साथ हों। वी विल स्टैंड बाय यू, यू आर पाकिस्तानी। बहुत शुक्रिया।